Hello guys, Aritha Singh welcome you all on this channel with a new poem that is The Butterfly and this is again by Arun Kolatkar. Secondly, हम लोग ये भी बात जान लेंगे कि ये जो poem है वो continuation है एक thread का जो कि you know Arun Kolatkar ने अपने जिजूरी हिल्स वाले books में लिखी थी. तो जैसे जो हमने previous poem पढ़ा था The Priest's Son, उसका एक continuation part है The Butterfly. उसमें भी आपने लास्ट लाइन देखा होगा द प्रीस्ट सन में, जिसमें ये था कि देयर इज अ बटरफ्लाई देयर, है कि नहीं है. तो फिर वहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं इस पोएम को भी. देयर इज नो स्टोरी बिहाइंड इट, इट इज अ स्प्लिट लाइक अ सेकंड, इट हिंजेस अराउंड इटसेल्फ. तो ये क्या बोलते हैं पोएट की, देखिए ये फिर से वही कह सकते हैं ना, प्रीस्ट सन भी कह सकता है, या फिर एक तरह से हम इसको बना सकते हैं कि पोएट भी कह रहे हैं. एक ये कह रहे हैं कि देयर इज अ बटरफ्लाई, देर इज नो स्टोरी बिहाइंड इट, कि जिस तरह जिजूरी हिल्स की इतनी बड़ी स्टोरी है कि लॉर्ड शिवा ने यू नो मारा था डेमन्स को और फिर वो हिल्स बने, ये है वो है मिथोलॉजिकल स्टोरीज. ये जो बटरफ्लाई है जिसको प्रीस्टन दिखाता है वो क्या कहता है कि देर इज नो स्टोरी बिहाइंड इट, इसके पीछे कोई कहानी नहीं है. इट इज स्प्लिट लाइक अ सेकंड, मतलब एक सेकंड में वो यहाँ होगी और एक सेकंड में बटरफ्लाई वहां होगी. इट हिंजेस अराउंड इटसेल्फ, और एवरीथिंग इट डज, एवरीथिंग इट इज टोल्ड अबाउट, एवरीथिंग हिंजेस अराउंड इटसेल्फ, मतलब कि हम जो भी बात करेंगे वो बटरफ्लाई के इर्द गिर्द बात होगी, उसका कोई पास्ट नहीं होगा, कोई फ्यूचर नहीं होगा, दैट इज ओनली द प्रेजेंट. जो कि हमने नेक्स्ट स्टैंजा में देखिए दिख भी रहा है कि इट हैज नो फ्यूचर, इट इज पिंड डाउन टू नो पास्ट, इट्स अ पन ऑन द प्रेजेंट. ठीक है, कि मतलब इसमें क्या है कि इट हैज नो फ्यूचर, उसका कोई फ्यूचर नहीं है, हम लोग उसके कोई फ्यूचर के बारे में नहीं जानते कि कल को वो कहाँ होगी, किस स्कूल पे होगी, या फिर वो मर जाएगी, वट एवर विल हैपन वी डोंट नो. इट इज पिन डाउन टू नो पास्ट, और अभी बस हम लोग उसको ग्रास पे देख रहे हैं, उसके पहले वो कहाँ थी, कब आई है, किस जगह से आई है, वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट. इट्स अ पन ऑन द प्रेजेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पन, वी शुड नो दैट कि पन मतलब होता है एक ही वर्ड के दो मीनिंग्स या एक से ज्यादा मीनिंग्स. यहाँ पे भी प्रेजेंट का दो मीनिंग है, एक प्रेजेंट मतलब यहाँ मौजूद होना और एक प्रेजेंट मतलब वर्तमान काल. ठीक है, तो वही है कि इट्स अ प्रेजेंट, पन ऑन द प्रेजेंट मीन्स कि इट्स प्रेजेंट इन द प्रेजेंट, कि मतलब जो ये बटरफ्लाई, उसका कोई फ्यूचर हम लोग नहीं जानते, उसका कोई पास्ट नहीं जानते, वी ओनली नो दैट इट इज प्रेजेंट इन द प्रेजेंट. इट्स अ लिटिल येलो बटरफ्लाई, और जो बटरफ्लाई है किस कलर की है, येलो कलर की है, और छोटी सी बटरफ्लाई है. इट इज टेकन दीज रेस्ट हिल्स अंडर इट्स विंग्स, और लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि उसने अपने विंग्स के अंदर पूरे हिल्स को समा लिया है, मतलब कि जो भी उसकी कहानी है उसके विंग्स के अंदर ही रह गई है. और इन द सेम वे ये एक तरह से पोएट्स सिमिलाइज कर रहे हैं हिल्स को भी, कि जो हिल्स है वो कहाँ किससे टंगी हुई है, अपनी स्टोरी से टंगी हुई है, कि जो हिल्स है उसकी पूरी जो यू नो कहानी है वो एक तरह से विंग्स पर टिकी हुई है, कि मतलब हाँ इसी स्टोरी के बिहाइंड ये हिल्स हैं जो कि पांच डेमन्स थे जिसको लॉर्ड शिवा ने मारा था. इन द सेम वे जिस तरह हिल्स विंग्स के नीचे छिपी हुई है अपनी कहानी के, वैसी जो बटरफ्लाई है उसका पूरा जो यू नो इर्द गिर्द आगे पीछे जो भी है सिर्फ अपने विंग्स तक ही सीमित है. जस्ट अ पिंच ऑफ येलो, इट ओपन्स बिफोर इट क्लोजेस एंड क्लोजेस बिफोर इट ओपन्स, वेयर इज इट. फिर देखिए जस्ट अ पिंच ऑफ येलो, पिंच ऑफ येलो मतलब कि उसके विंग्स को कहता है कि जो वो इतनी छोटी बटरफ्लाई है कि जो उसके विंग्स हैं लग रहे हैं बस एक छोटा सा येलो का पिंच है. इट ओपन्स बिफोर, और इतना तेज से अपने पंख फड़फड़ाती है वो बटरफ्लाई कि खुलने से पहले वो बंद हो जाता है और बंद होने से पहले वो खुल जाता है. और लास्ट में देखिए लाइन है कि वेयर इज इट, मतलब कि जैसे कि स्टार्टिंग लाइन में आपने देखा है कि इट्स स्प्लिट इन अ लाइक अ सेकंड, मतलब कि एक सेकंड में कहाँ होती है और एक सेकंड में कहाँ होती है. हमने पिछले पोएम में पढ़ा था प्रीस्ट सन में कि वो ग्रास के कुछ पैचेस थे उस पे बैठी थी, और ये भी बात कर ही रहे होते हैं कि देखिए उसके पंख खुलने से पहले बंद हो जाते हैं और बंद होने से पहले खुल जाते हैं, और देखिए वो कहाँ चली गई, वेयर इज इट, मतलब वो कहाँ चली गई है. इस पोएम के थ्रू ये बताया गया है कि जो हमारे जो रिलीजियस मिथ्स हैं, ठीक है, ये हम लोग के फेथ से एसोसिएटेड होते हैं, जो कि आप टाइम टू टाइम अपना जो अपील, अपना जो रियल थिंग है, रियल आइडेंटिटी, वो सब लूज कर देते हैं, लेकिन जो हमारा नेचर है एक उसी के साथ ऐसा कुछ नहीं होता. इट हैज नथिंग, इट हैज टू डू विद इट्स पास्ट, इट ओनली रिमेन्स फ्रेश एंड इफेक्टिव इन द प्रेजेंट. और ये हम लोग को बहुत अच्छे से दिखाया गया कॉन्ट्रास्ट जिजूरी हिल्स में और टाइनी बटरफ्लाई में, कि किस तरह हिल्स सॉलिड है, मैसिव है, लेकिन वो कैसे हैं, पुराने हैं अपनी ही कहानियों की तरह, जो कहानियां उनके इर्द गिर्द हैं, जो कहानियां उनके इर्द गिर्द हैं उसके हिसाब से ही वो एकदम
पुराने हो चुके हैं, लेकिन जो ये बटरफ्लाई है वो बहुत सॉफ्ट सी है और बहुत छोटे दिन के लिए है, लेकिन अपने साथ कोई भी मिथ, कोई भी स्टोरी, कुछ भी कैरी ये सब नहीं करती है। एवरीथिंग इज वट एवर इट हैज टू डू, इट हैज टू डू इट इज इन प्रेजेंट, एंड वट एवर वी हैव टू नो अबाउट इट प्रेजेंट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द poems of Arun Kolhatkar, in which the two poems, that is the priest's son and the butterfly, have a tiny thread, we can say, with each other. So thank you.